हमारे बंगाल के हरिदास यवन जी की कथा आती है। हरिदास, एक तो हमारे पूज्य हरिदास जी महाराज जिन्होंने भी हरि जी प्रकट किए, उनके सामने हरिदास यवन इसलिए कहा जाता है कि गलत फहमी ना हो। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, अच्छे पढ़े लिखे, बंगाल का बड़ा नाम था ये हरिदास जी का, बड़े परिवार के, बड़े शिक्षित, बड़े प्रतिष्ठित। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, हरिनाम दीक्षा ले ली, सिर उड़ा दिया, तुलसी की कंठी धारण कर ली और बस हर समय हरि बोल हरि बोल, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, साधु हो गया। घर वालों से भी, घर वालों ने बहुत तेरा समझाया, बिरादरी के मुल्लों ने, जो भी उसकी परंपराएं थी, शाह हुसैन वहां के उस समय के नवाब थे, उन्होंने कई बार बुलाया मिलने, स्वयं आया। किसके चक्कर पर पड़ा है? काफिर के। बढ़िया, तेरी शादी करेंगे, स्टेट का तुझे हिस्सा देंगे, काहे के लिए? कुछ नहीं सुना। कितने भजनानंदी संत रहे होंगे, 5.25 लाख नाम जपकर आसन से उठते थे, 5.25 लाख। हम तो 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत मुश्किल होता। जब कुछ नहीं चला, दो ही बिगाड़ती हैं जीव को, साधु को दो ही चीजें बिगाड़ते, कंचन और कामिनी। नरहरानंद जी ने, जो तुलसीदास जी के गुरु हुए, उन्होंने ये चेतावनी दी साधु को, इनसे रहिए दूर, नरहर कंचन कामिनी, इनसे रहिए दूर। तलवार की धार से बच जाता है, लेकिन कंचन और कामिनी से बचना बहुत कठिन होता है। राम बचाए वही बचता है, बाकी कोई बचता नहीं किसी को। तो एक वैश्या थी वहां की, बड़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना, उसका बड़ा शोर नाम था बंगाल में, उसको तैयार किया हुसैन शाह ने, बोलो तुम जाओ, इस लड़के को कैसे तुम अपने मोह पाश में बांधो, उसे विरत करो, उससे काफिर हो गया है, और तुम जो चाहोगी सो हम देंगे तुमको, रात भर जो चाहिए। सुंदर तो थी ही, सुंदर श्रृंगार और करके, और उनकी कुटिया के सामने आके बैठ गए, खड़ी हुई तो ऐसे कर दे, बैठो, बैठ। सुबह से शाम हो गया, अब भजन पूरा हो, अब उठें, अब उठें, अब उठें, अब उठें, वो तो नहीं उठे, वैश्या वहीं बैठी रह गई। संत दर्श जी में पातक टर है, अरे जैसे गंगा का नाम लेकर ऐसा लगता है कि अंदर से पावित्र भर गया, ऐसे ही संत का दर्शन करते ही पावित्र आता है। संत दर्श जी में पातक टर, पहला दिन गया कोई अंतर नहीं, दूसरे दिन फिर आई, शाम तक बैठी, प्रतीक्षा करती रही, नहीं टस्से मस, देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं, नेत्र खोले ही नहीं, कौन आए मालूम नहीं। दूसरा दिन गया, तीसरे दिन आई, तीसरा दिन गया, चौथे दिन आई, चौथा दिन गया, पांचवे दिन आई, पांचवे दिन, छठे दिन आई, छठा दिन गया। इतने दिन, अरे संत का तो दर्शन ही आदमी को पवित्रता से भर देता है, मन परिवर्तित कर देता है। ये 7 दिन किसी साधु, भजनानंदी साधु के सामने बैठी हो तो वैसे ही तो पवित्रता की मूर्ति हो गई। जब 7वां दिन पूरा होने को हुआ और ये उठी, तो हरदास जी ने संकेत किया, बैठो, बोले बैठो, बोले बैठूंगी नहीं, अब मैं दोबारा आऊंगी। और ये गई नाई की दुकान पर, गई, मुंडन कराया, श्वेत वेश धारण किया, सारा मेकअप धोया और कंठी बाजार से ले ली तुलसी की, और बैरागिन बनकर आ गई संध्या। जब हरिदास जी उठना ही चाहते थे, पहुंच गई, महाराज मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे भी भजन में डुबोइए, मैं तो पाप में डूबी थी, कृपा कर। हरदास जी खड़े हो गए और हरदास जी ने कहा, बिटिया बहुत भगवान की तेरे ऊपर कृपा हो गई, लो अभी तक हम इस आसन पर बैठकर जप करते थे, अब इस आसन पर बैठो, ये हमारी सुमिरणी लो, अब तक हम इसको जप रहे थे, अब तुम जपो,
प्रभु की कृपा हो गई, हरि तुमसे यही मिलने आएंगे। बैठ गई उसी आसन पर, बैठ गई, बैठ नहीं गई, समा गई। शास्त्र में वर्णन आया है कि अंत समय में जब ये प्राण छोड़ने की स्थिति में थी, हरदास जी को ये किसी के द्वारा जानकारी मिली कि वो जाने वाली है, वो भक्त जो भी उसका नाम रखा होगा, हरदास जी भी आए और प्रकारांत से थोड़ी थोड़ी देर में दोनों के ही प्राण चले गए। और हरदास जी की बगल में आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। ये होता है संत दर्श जी में पातक टरही, कुजाती से सुजाती हो गई।